अब बन सकती है इंडिया की सरकार, अब इंडिया की सरकार बनना तय है, इंडिया गठबंधन का सरकार बन सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है, किस प्रकार से है, जिस प्रकार से इस मजबूरी के कारण इन्हें समर्थन देना जरूरी है, और मजबूरी है या समर्थन देना जरूरी है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको देखते हैं, आपको दिखा दें कि सीट्स कितनी है, 543 में से सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को हैं, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को, उसके बाद SP समाजवादी पार्टी को सीटें हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके सबको सीटें हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीटें, जैसे बीजेपी को 240 सेपरेटली 240 सीटें मिली हुई है, INC नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें मिली हुई है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हुई है, AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी जिसको 29 सीटें मिली हुई है, DMK को 22 सीटें मिली हुई है, TDP 16 सीटें मिली हुई है, तेलुगु देशम पार्टी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और JDU जनता दल जो 12 सीटें मिली है, ये दोनों जो मिलकर TDP और JDU दोनों मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सरकार बनाने में, यही दोनों डिपेंड करेंगी कि NDA की सरकार बनेगी या इंडिया की सरकार बनेगी, यही दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बाकी कुछ कुछ सीटें जैसे शिवसेना को 9 सीटें प्राप्त हुई है, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार वाली पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई, इस प्रकार से कुछ सीटें प्राप्त हुई हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन पार्टियों को कम सीटें प्राप्त हुई हैं, जैसे 2 सीटें, 1 सीटें, 1 सीटें, ये जिधर भी सरकार बनेगी, जिधर सरकार बनेगी उधर ऑटोमेटिक चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी, अभी इसको हम समझाते हैं आपको। जितने भी एक एक दो सीटें वाली पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जिनके पास केवल 1 सीटें प्राप्त हुई है, केवल 2 सीटें प्राप्त हुई है, ये समर्थन उन्हीं को देंगी जिनकी सरकार बनने की संभावना है। NDA को भी समर्थन दे सकती हैं और इंडिया को भी समर्थन दे सकती हैं ये दोनों। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या रहा, महत्वपूर्ण आंकड़ा देखिए आपको समझाते हैं। इंडिया को NDA गठबंधन को कुल 293 सीटें प्राप्त हुई है NDA गठबंधन को, ये महत्वपूर्ण आंकड़ा रहा, जिनमें से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सेपरेटली 240 सीटें मिली हुई है, TDP तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी है 16 सीटें प्राप्त हुई है, JDU यही है नीतीश कुमार वाली पार्टी JDU जनता दल यूनाइटेड इसको 12 सीटें प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से SHS को 7 सीटें प्राप्त होती है, LJP को 5 सीटें, RLD को 2 सीटें और अदर को 12 सीटें, इस प्रकार से 293 सीटें NDA को प्राप्त हुई है। अब 293 में से कौन निकलकर NDA में जाकर और इंडिया की सरकार बनवा सकता है और क्यों बनवाएगा, उसकी मजबूरी क्या है, इसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए TDP के पास 16 सीटें हैं और JDU के पास 12 सीटें हैं, 16 और 12 कुल 28 सीटें हो गई, 1-2 सीटें इसमें से आ जाएगी, अदर सीटें अभी हमने बताया कि जिनके पास 1 सीटें हैं, जिनके पास 2 सीटें हैं तो वो अदर में आएगी, 1 सीटें और 2 सीटें जिनके पास हैं वो जिधर ही सरकार बनेगी उधर ही चल देंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी मोटी मंत्रालय मिल जाएगा तो भी चल देंगी, अथवा नहीं भी मिलेगा, कैबिनेट स्तर का मंत्रालय नहीं मिलेगा तो राज्य मंत्री बनने के तौर पर भी चल देंगी वो, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 और 1-2 भी इधर से ले लें तो 30, अगर 93 से 293 में से अगर 30 माइनस कर दें तो 263 पर पहुंच जाएगा, और 263 पर नहीं 272 पर सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, तो NDA की सरकार गिर जाएगी 263 पर, 263 आएगा तो NDA की सरकार गिर जाएगी। तो TDP और JDU दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, हालांकि केवल और केवल नीतीश कुमार चाहें तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार अगर चंद्रबाबू नायडू को भी मना लें अपने साथ कि चलो उधर ज़्यादा ऑफर मिल रहा है इंडिया में ज़्यादा ऑफर मिल रहा है तो इंडिया में चलते हैं, तो NDA की सरकार गिर जाएगी और इंडिया की सरकार बन सकती है। लेकिन इन्हें क्या मजबूरी पड़ी गई, ये क्यों मनाएंगे, ये नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को क्यों मनाने की कोशिश करेंगे, इसके संबंध में आपको हम जानकारी अभी देते हैं। देखिए पहले ये हम आपको बता दें, ये हमने बता दिया कि NDA गठबंधन को 293 सीटें मिली हुई है, 234 सीटें NDA गठबंधन को मिली हुई है, ये इंडिया अलायंस है जिसमें से नीतीश कुमार अब NDA में जा चुके हैं, ये हैं चंद्रबाबू नायडू TDP पार्टी से चंद्रबाबू नायडू है और ये नीतीश कुमार हैं। तो चंद्रबाबू नायडू इनके पास कुल 16 सीटें हैं और नीतीश कुमार के पास कुल 12 सीटें हैं, और 16 और 12 28 हो गए, 1-2 इधर थे लेकर के और इंडिया में शामिल हो जाएंगे, इंडिया की सरकार बन जाएगी। इंडिया की सरकार क्यों बनवाना चाहेंगे, क्या जरूरत पड़ गई इसके लिए, देखिए ऑफर क्या जा रहा है, ये मीटिंग हुई है इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है जिसमें ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई जिसपे इस बात पर चिंतन किया गया है कि कैसे तोड़ा जाए इनको और कैसे इंडिया में शामिल किया जाए, NDA में से निकालकर इंडिया में शामिल किया जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को। तो क्योंकि अभी सरकार भी अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है तो इसलिए कोई अनुचित भी नहीं होगा, क्योंकि
ऐसे भी भाजपा भी बहुत सारे राज्यों को बनी हुई सरकारों को तोड़ दी है, कई राज्यों में बनी बनी हुई सरकारों को तोड़ी है, तो अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, यानी कि समर्थन भले मिल गया इंडिया को लेकिन अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, तो तोड़ना कोई अनुचित नहीं होगा। ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि खुश करने के लिए सरकार बन रही है तो खुश कोई और भी कर सकता है, यानी कि अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि खुश हम लोग भी कर सकते हैं अगर ये मंत्रालय दे देंगे, वो मंत्रालय दे देंगे, इतने मंत्रालय दे देंगे, ये चीज़ें दे देंगे, वो चीज़ें, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि जो कुछ भी दिया जा रहा है खुश करने के लिए इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो खुश करने के लिए इंडिया भी दे सकती है। तो इसी बात पर कटाक्ष करें कि खुश करने के लिए सरकार बन रही है तो खुश कोई और भी कर सकता है, यानी कि खुश हम लोग भी कर सकते हैं। आशा और अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनका कहना है कि हम लोग अभी भी आशा और अपेक्षाएं रखे हुए हैं कि इंडिया की सरकार बनाएंगे और इंडिया की सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आशा और उम्मीदें हमेशा बनी रहनी चाहिए और आशा उम्मीदें इनका कहना है कि अभी भी बनी हुई है कि इंडिया की सरकार बन जाएगी और बनी रहनी चाहिए भी। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की शिवसेना से भी मीटिंग हुई है, तो शिवसेना की मीटिंग के में भी ये कुछ बातें, कुछ विचार विमर्श किया गया है कि किस प्रकार से इंडिया की सरकार बनवाई जाए। ये अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वो चंद्रबाबू नायडू को मनाए कि चंद्रबाबू नायडू किस प्रकार से मानेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड क्या है इंडिया गठबंधन में आने के लिए। तो ऐसा न्यूज़ मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन में आने के लिए उनकी डिमांड क्या है और कोई भी डिमांड हो इंडिया में शामिल हो जाए, इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू को मिलाए। अखिलेश यादव की टीएमसी की प्रमुख जो है कि ममता बनर्जी से मीटिंग भी हुई है, टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की। ये तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश कुमार को मनाकर इंडिया गठबंधन में शामिल कराएं। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई कि किसी भी प्रकार से इनको मनाइए, एनडीए से निकालिए और इंडिया गठबंधन में शामिल कराइए, इससे सरकार बने। और सरकार अगर ये दोनों निकल जाते हैं, दोनों मान जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन में अगर दोनों शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार बन जाएगी। ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी महाराष्ट्र की ओर चले हैं, महाराष्ट्र में ये मीटिंग करने के लिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार किस प्रकार से बनवाई जाए और किस प्रकार से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, इसके संबंध में विचार विमर्श करने के लिए। ये अभिषेक बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी। इनकी अखिलेश यादव से मीटिंग हुई है और इसी बात में विचार विमर्श कर किया गया है कि इंडिया की सरकार किस प्रकार से बनवाई जाए। तो पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है कि इंडिया की सरकार बनवाई जाए, लेकिन इंडिया की सरकार बनवाने के लिए क्या जरूरत पड़ गई, क्यों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया में क्यों आना चाहेंगे जब वो ऑलरेडी सरकार में हैं और इंडिया में शामिल हैं, इंडिया को समर्थन दे रहे हैं, तो इंडिया में क्यों शामिल होना चाहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बोल भी चुके हैं कि बहुत हमको मनाया जा रहा है लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम एनडीए में ही रहने वाले हैं। हालांकि उनके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हर बार बोलते हैं, हर बार जब पार्टी चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो पलट जाते हैं और बोलते रहते हैं कि अब अंतिम बार है, अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, और फिर पलट जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब अंतिम बार है। तो ये हमेशा उनका होता रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में क्यों जाना चाहेंगे ये दोनों, इंडिया में इसलिए जा सकते हैं ये क्योंकि एनडीए में रहकर बहुत बड़ा पोस्ट इनको नहीं मिल सकता। हाँ, हो सकता है कोई मंत्रालय मिल जाए, बड़े मंत्रालय मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन बड़े पोस्ट नहीं मिल सकते हैं। अधिक से अधिक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, ये संभव है। इंडिया में आते हैं और डिमांड करते हैं तो एक एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री भी इनको बनाया जा सकता है। एक वर्ष ये प्रधानमंत्री बन जाए, एक वर्ष ये प्रधानमंत्री बन जाए, दोनों एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जबकि ऐसा कभी अपने जीवन में पता नहीं प्रधानमंत्री बन पाए या ना पाए, ऐसी कम संभावना है कि अपने जिंदगी में प्रधानमंत्री बन पाए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों में से कोई भी संभावना कम है कि अपनी जिंदगी में प्रधानमंत्री बन पाए। इसलिए ये अच्छा अवसर है, नीतीश कुमार के लिए भी अच्छा अवसर है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा अवसर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और एक एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, एक वर्ष के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए, एक वर्ष के लिए भी प्रधानमंत्री बन जाए और इंडिया को समर्थन दे दे। ये सबसे अच्छा मौका है इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका न कभी आया है और न ही कभी आने वाला है, संभवतः आने वाला भी नहीं है इसके बाद। यह सबसे अच्छा मौका है प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों लोगों को। तो हमारा मानना यही है कि इंडिया गठबंधन में इन्हें शामिल होना चाहिए। आप भी बताइए कि आपका क्या मानना चाहिए, आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एनडीए में रहकर इन्हें बड़ा पोस्ट नहीं मिल सकता है, इन्हें प्रधानमंत्री तो किसी हालत में नहीं बना सकते, भले ही इंडिया की सरकार बने या ना बने, नहीं बनाया जाता है, लेकिन इंडिया में संभव है। इंडिया गठबंधन में आते हैं अगर दोनों, तो संभव है कि इंडिया में प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसलिए इन्हें विचार करना चाहिए,
चंद्रबाबू नायडू को भी, नीतीश कुमार को भी विचार करना चाहिए और दोनों को विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करके दोनों एक साथ मिलकर इंडिया में आ जाना चाहिए दोनों को, ताकि इन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल जाए, क्योंकि अपनी जिंदगी में संभव नहीं कि दोबारा प्रधानमंत्री बन पाए, ज़्यादा संभावना तो यह कि नहीं बन पाए।